Some good news for consumers. Petrol and LPG prices will be cheaper from today. Petrol prices have been cut by 3 rupees per litre. It's the biggest cut in the last 5 years. Prices of non-subsidized LPG cylinders have also been slashed by 54 rupees per cylinder. So consumers buying cooking gas beyond the quota of 9 cylinders will have to pay 847 rupees instead of 901. Prices, of course, may vary in different cities and different states depending upon local sales tax or VAT. अच्छी बात है अगर तीन रुपए पेट्रोल सस्ता हुआ है. वैसे भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस होगी उसके हिसाब से प्राइस हम डाउन करेंगे. बट अगर तीन रुपए सस्ता हुआ है तो इट्स गुड, वेरी गुड. मेरा अभी करीबन 8 से 10 हजार रुपए खर्चा था पेट्रोल का, जो करीबन काफी 500-600 रुपए मुझे फर्क आएगा, जिससे मेरा 600 रुपए बचत होगी तो एक मोबाइल का कम से कम खर्चा जा सकता है उससे. तो ऐसा लगता है कि प्लानिंग के तहत पहले कम कर ज्यादा करती है कि 8-10 रुपए इकट्ठे बढ़ा दो, फिर पब्लिक को बेवकूफ बनाओ कि 5 रुपए 2 रुपए 3 रुपए हम सस्ता कर रहे हैं पेट्रोल, और लोगों के अंदर ये भावना है कि पेट्रोल जो है वो सस्ता हो रहा है.